हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का सवाल रहता है कि रमजान में सऊदी अरब में हिंदुओं की लाइफ स्टाइल कैसी रहती है, क्योंकि पूरे साल तो सेम चलता रहता है। जैसे जैसे सब काम करते हैं वैसे हिंदू भी काम करते हैं। रमजान में ऐसा होता है कि हर आदमी की ड्यूटी 6 घंटे की हो जाती है। यहाँ की गवर्नमेंट का कहना है कि पूरे सऊदी में रमजान में 6 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, रात को 8 से 2 बजे तक। तो क्या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हिंदू हैं तो उनको तो रमजान से मतलब रहता नहीं, तो क्या वो उनकी ड्यूटी भी 6 घंटे की हो जाती है नाइट में, या वो दिन में ही काम करते हैं? सिस्टम कैसा चलता है यहाँ का? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। पूरे साल जैसा जैसा काम चलता रहता है, पूरे सेम ड्यूटी, सब कुछ सिस्टम सेम रहता है। तो रमजान में भी बस वैसा ही होता है, बस थोड़ी सी उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है, बस थोड़ी सी उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए जो मॉल हुआ, होटल हुई, या वकाला हुआ, सुपरमार्केट जो होती है, बेकरी हो गई, तो इनका काम क्या बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, इनका काम बंद नहीं होता 24 आवर। मान लीजिए बेकरी होती है, 24 आवर काम चलता रहता है, उसमें 3 शिफ्ट होती हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट करवाते हैं बेकरी में काम। तो क्या वो काम बंद कर देंगे? भाई काम बंद करेंगे तो रमजान में माल बा कैसे बनेगा, कैसे सिस्टम होगा? सब चलता है। और उसमें आपको बता दो, जैसे मान लीजिए रमजान बेकरी है, उसमें अगर 200 आदमी है, तो उसमें अगर 20 ही हिंदू हैं, 180 मुस्लिम है, तो क्या वो ड्यूटी नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं होता, ड्यूटी करते हैं उन लोग भी, बस एडजस्टमेंट करके ड्यूटी करते हैं कि अगर 20 हिंदू है तो अगर उन लोग को बोलेंगे कि अगर आप लोग ड्यूटी करना चाहो दिन में कर सकते हो, नहीं तो नाइट में करना चाहो नाइट में कर सकते हो, उससे मुश्किल नहीं होती। जिस आदमी को ज़रूरत है, लगता है कि मैं दिन में कर सकता हूँ ड्यूटी, तो आप दिन में कर लो, नाइट में करना है नाइट में कर लो। बस ड्यूटी अगर 6 घंटे की है तो जो 6 घंटे के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम चलेगा उसकी वो टाइम मिल जाती है, ठीक है। और बहुत सारी कंपनी दे भी देती है, बहुत नहीं भी देती, तो सबका सिस्टम अलग अलग होता है दोस्त। बाकी कुछ नहीं, बाकी ये लाजिम है कि मिलना ही चाहिए 6 घंटे के बाद, जो उसका वो टाइम चलता है वो मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट का कहना है कि 6 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए ऊपर से। दूसरी बात है तो जो कौन लोग हैं जो 6 घंटे की ड्यूटी करवाते हैं? अब जो आपको बता दिया, बेकरी हो गई, सुपरमार्केट हो गई, वकाला हो गया, या होटल हो गई, तो इन लोगों का काम दिन में चलता है और ये बंद नहीं होता, और बंद चलता रहता है। और जो बंद होता है काम दिन में, वो कौन सा होता है? तो जो और अदर अदर साइड होती है, जैसे प्राइवेट मुसस्सा बोलते हैं इसको, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, वो हो गया प्राइवेट सेक्टर। जैसे कोई ठेकेदार ठेका लेके काम कर रखा है आदमी, 20, 25, 30, 50, 100, 200 ऐसे, या कंपनी हो गई, कंपनी में जब 1,000, 2,000, 5,000 आदमी है, तो उन लोग में एडजस्टमेंट हो जाती है। और जो मुसस्सा होता है, मुसस्से में अगर बंदा चाहे तो दिन में, मतलब दिन में होता नहीं, मुसस्से में दिन में काम बंद हो जाता है, तो मुसस्सा जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें नाइट में काम चलता रहता है। दिन में बंद हो जाएगा, नाइट में 8 से 2 की ड्यूटी हो जाएगी। जो कंपनी होती है उसमें भी नाइट में 8 से 2 की ड्यूटी हो जाती है, मगर एडजस्टमेंट करके हो जाती है कि उसमें अगर जो दिन में काम है, अगर उसमें मान लीजिए दिन की शिफ्ट में 1,000 आदमी काम कर रहे हैं, तो उसमें रमजान में 1,000 में से मान लीजिए 100 आदमी हिंदू है, 900 आदमी मुस्लिम है, तो क्या काम बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, एडजस्टमेंट करके काम चलता है उसमें। अब देख लीजिए, जैसे मैं खुद हिंदू हूँ, ठीक है, अब मेरे साथ में 16 लोग काम करते हैं मेरी कंपनी में, मैं दो लोग हूँ, मैं हिंदू हूँ, एक बंदा और है वो हिंदू है, एक मैं हूँ, तो 14 लोग बाकी हैं। तो क्या 14 लोग को छोड़ के हम लोग को दो लोग को दिन में काम पे जाना पड़ता है? तो ऐसा नहीं होता, हम दोनों लोग साथ में काम करते हैं, रमजान के पहले भी, रमजान में भी। रमजान के पहले होता है तो ड्यूटी दिन में सबकी चलती है, दिन में हम लोग की भी चलती है। रमजान आता है तो रमजान में सबकी ड्यूटी नाइट में होती है, तो हम लोग की नाइट में हो जाती है। मगर जो कंपनी में जिसमें ज़्यादा आदमी रहते हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट करके काम चलता है। मॉल हुआ, मॉल में अगर 100 लोग काम करते हैं, 50-50 लोग की ड्यूटी है, 50 लोग की दिन में, 50 लोग की नाइट में, तो क्या जब उसमें 50 लोग में से 40 लोग मुस्लिम है, तो क्या काम नहीं करेंगे, मॉल बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं होता दोस्त, मॉल चालू रहता है, उसमें एडजस्टमेंट करके काम चलता है। उसमें बात होती है कि किसको दिन में ड्यूटी करना, किसको नाइट में करना, अपने हिसाब से सेटलमेंट कर लो, उसके बाद में काम पे आ जाओ। तो ऐसा होता है, चलता रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 6 घंटे की ड्यूटी अलाउ है, 6 घंटे की रमजान में ड्यूटी होती है, उसके ऊपर कोई करवाता है तो उसको 2 घंटे की ओवर टाइम मिलती है, हालांकि ये नियम है। बाकी देते हैं बहुत से लोग नहीं भी देते हैं, तो मेरे भाई लोग बताएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किसको मिलती है 6 घंटे के बाद ड्यूटी करने के पैसे, किसको मिलती है, किसको यहाँ के मतलब ओवर टाइम इसकी मिलती है। अगर आप लोग को भी नहीं मिलती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, यही जानकारी थी। और दोस्त मैं भी रहता हूँ, 14 लोग हैं मेरे साथ में, मान लीजिए मुस्लिम है तो मैं, 2 लोग हिंदू, तो आराम से इंजॉय करते हैं हम लोग, तो उसमें भाई खूब अच्छे तरीके से। अब रमजान होता है सुबह सुबह, तो हम लोग खैर नहीं उठ पाते शहरी के टाइम, रात शाम को अफ्तारी के टाइम आराम से सब लोग साथ में बैठ के अफ्तारी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत थोड़ा दिल भी खुश हो जाता है कि चलो यार 14-15 लोग, थोड़ा चहल पहल है, थोड़ा खुशी का माहौल है, थोड़ा अच्छा रहता है उसमें, अच्छा लगता है। तो यही चलता रहता है दोस्त, बाकी कुछ नहीं होता, ड्यूटी कोई चेंज नहीं होती, कोई मसला नहीं, तो कोई समस्या नहीं होती, इत्मीनान से काम चलता है एकदम अच्छे तरीके से, जैसे काम होना चाहिए। बस यही होता है दोस्त, और कुछ नहीं।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी समझ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।